ऑल राइट, सो नेक्स्ट कौन सा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 5 लिखो, नेगेटिव, इसका नाम ही नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1. ठीक है, देर आर टू टाइप्स इन दिस. तो ये जो है ना, ये जनरल केस है ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप लोगों ने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा? के ट्रायल्स, मतलब एक्स ट्रायल्स में आपका एक्सथ ट्रायल में आपका फर्स्ट सक्सेस है ना, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच यू अटेन योर फर्स्ट सक्सेस. तो अब इसको थोड़ा जनरल अगर हम लोग बना दें, तो यहां जो एक्स डिफाइन होता है, लिखो, इट इज द रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल काट दो, सॉरी, एक्स में लिखो नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच केथ सक्सेस अकर्स, ऑन विच केथ सक्सेस अकर्स. तो वहां क्या था, फर्स्ट सक्सेस अकर्स ऑन नंबर ऑफ ट्रायल ऑन विच, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर, तो मेरा एक. अब यहां पे मैं बोल रही हूं कि एक्स ट्रायल्स केथ सक्सेस, तो क्या बोले, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच यू अटेन योर केथ सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि हम लोग अभी डॉटर एंड वो कर रहे थे ना, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, तो लेट्स सपोज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सिक्स्थ चाइल्ड इज द थर्ड फीमेल, तो फीमेल इज द सक्सेस, लेट्स सपोज, तो के आपका हो गया यहां पे 3, थर्ड फीमेल, एंड एक्स आपका हो गया 6, मतलब सिक्स्थ चाइल्ड इज द, सिक्स्थ चाइल्ड इज द थर्ड फीमेल. गॉट इट? कैसे इसको करते हैं, तो यहां पे अगर इसका हमें अभी बनाना होगा, तो इसका नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं, एक्स फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स फॉलोज एन बी भी लिख सकते हैं, बोथ आर फाइन, के कॉमा पी, वेद इस के, एक्चुअली इट्स अ स्मॉल के, मैं मेरा स्मॉल के एंड कैपिटल के ऐसे ही मैं लिखती हूं, तो के इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, के इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल विच इज सेम. ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक्स हमने कैसे डिफाइन किया, कि नंबर ऑफ ट्रायल इन विच यू गेट योर केथ सक्सेस. ठीक है, तो आपका बेसिकली एक्स क्या हो रहा है, इधर एक्स इज योर नंबर ऑफ ट्रायल्स जहां आपको केथ सक्सेस मिल रहा है, और अगर मैं बोल रही हूं एक्स हमारा 6 है, के हमारा 3 है, मतलब सिक्स्थ ट्रायल में वी आर गेटिंग द थर्ड सक्सेस. ठीक है, हमें क्या क्या नोन है, एक्स के हमें नोन रहेगा एंड पी हमें नोन रहेगा, ये दो पैरामीटर्स हमें नोन रहेंगे. तो यहां पे बताना आपके एक्स के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, वन पॉसिबल कैसे हो सकते हैं, अगर के 3 है तो एक्स 1 कैसे होगा, फर्स्ट ट्रायल में थर्ड सक्सेस, मिनिमम के हैज टू, मिनिमम एक्स हैज टू बी के, के के प्लस 1, के प्लस 2, डॉट 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 इन्फिनिटी तक. मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर x इक्वल टू के है, मतलब kth ट्रायल में kth सक्सेस, मतलब थर्ड ट्रायल में थर्ड सक्सेस, यही बोल रहे हो, तो मिनिमम k चाहिए ना यहाँ पे x का वैल्यू. बोलो, क्लियर है? अब इसका अगर मुझे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना होगा तो कैसे बनेगा, देखो पहले सुन लो, एक बार सुन लो फिर लिखना. मैं क्या बोल रही हूं, x ट्रायल्स में kth सक्सेस आए, मैं बोल रही हूं एक्स ट्रायल्स में केथ सक्सेस, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपका एक्स माइनस 1 विच इज 5 ट्रायल्स में
हमने कितना सक्सेस देखा है। हाँ, अगर मैं बोल रही हूं कि 6 ट्रायल्स में 6th ट्रायल इज अ 3rd सक्सेस, तो 5 ट्रायल्स में हमने 2 सक्सेस देखे अभी तक। 5 ट्रायल में हमने 2 सक्सेस देखे अभी तक, यस और नो? तो अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना है, सुनना ध्यान से, x-1 ck-1, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 5, आप लोग को कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से, इस 5 में से अगर मैं बोल रही हूं कि कोई भी 2 सक्सेस चूज करना है, 6th नंबर तो पक्का सक्सेस है पता है, तो इसमें 5 में से कौन सा सक्सेस होगा? तो हम लोग कॉम्बिनेशन फंक्शन यूज करते हैं ना, 5c 5c2, विच इज x-1 ck-1, p विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2 दी पार k-1 होगा, एंड 1 माइनस p 2 दी पार क्या होगा, x-1 - k+1, तो ये क्या हो गया, कट कट के x-k हो गया। नाउ दिस इज नॉट ओवर येट, स्टोरी इज नॉट ओवर, मैंने बोला है x=x, ये अभी तक आप लोगों ने किया, इट्स लाइक अ बाइनोमियल, यहां तक नेगेटिव बाइनोमियल वर्ड हमने यूज किया, यहां तक इट्स अ नेगेटिव बाइनोमियल, जहां हम लोग बोल रहे हैं x-1 ट्रायल्स में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, एंड इसमें हम लोग बोल रहे हैं k-1, मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है, इट्स लाइक आप लोग बोल रहे हो कि k-1 सक्सेस आपको मिला है, बट हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम बोल रहे हैं कि xth ट्रायल में kth सक्सेस, तो एक और हमें जरूरत है इनटू p, कि अब जो अब x-1 हो चुका है, यहां पे आपके 5 ट्रायल्स हो चुके हैं, 5 में से 2 सक्सेस हो चुका है, गिवन है कि 6th ट्रायल में आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, तो इनटू p होगा, सो दिस गिव्स यू x-1 ck-1 p^k 1-p^ वेर x goes फ्रॉम, कभी भूलोगे अब नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1? कभी नहीं, एक्सेप्ट ट्रायल में वी आर गेटिंग kth सक्सेस, मतलब x-1 ट्रायल्स में हमने k-1 सक्सेस देखा है, कैसे भी करके 5 ट्रायल्स जो हुए उसमें कहीं ना कहीं 2 सक्सेस आया, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x-1 ck-1, इट्स लाइक वो वाला पार्ट बाइनोमियल हो गया, इनटू p, लिख लो इसको, लिख लो इसको, अब अगर मैं थोड़ा इसको, मैंने क्या बोला, नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 इज अ जनरल केस ऑफ ज्योमेट्रिक, यहां अगर हम k=1 डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, x-1 c 0 विच इज 1, तो इसका कोई इज्जत नहीं बचा, इसको हटा देंगे, p^1 1-p^x विच इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर जाके देखो, दिस इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट ट्रायल इज योर फर्स्ट सक्सेस, तो कैन यू से के सम ऑफ के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट योर नेगेटिव बाइनोमियल k, p, मतलब सम ऑफ के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस इज नेगेटिव बाइनोमियल k, p, सम ऑफ के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल जहां आपको फर्स्ट सक्सेस मिला, नंबर ऑफ ट्रायल्स फर्स्ट सक्सेस, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 सक्सेसेस हो गए ना, विच इज लाइक दिस ओनली,
गॉट इट, जनरल केस, अंडरस्टूड, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो, लिखो नेगेटिव बाइनोमियल, नेगेटिव लिखना, नोट देके लिखो, नोट देके लिखो, नेगेटिव बाइनोमियल, हाँ ये x माइनस वन होगा, वेरी गुड वेदांशी, k इक्वल्स टू वन, ये वाला ऊपर वाला, ये मैंने माइनस वन स्किप कर दिया था, लिखो नेगेटिव बाइनोमियल टाइप वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ k ज्योमेट्रिक वेरिएबल्स ठीक है, लिख लिया के ज्योमेट्रिक वेरिएबल्स, ये वाला फिर लिख लो के इक्वल्स टू वन करके, देख लो कि ये ज्योमेट्रिक आ रहा है, ऐसे लिख दो ये वाला चीज, ये जो ब्लू से मैंने लिखा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखो, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन, इफ अ प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल बिलीव इन अ रूमर इज 0.8, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन बिलीव इन द रूमर इज 0.8, calculate the probability that the ninth person to hear the rumor will be the fourth person to believe it. इसको करो तो कैसे लिखेंगे, probability x equal to क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखो तो, मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट द नाइन्थ पर्सन टू हियर द रूमर इज द फोर्थ टू बिलीव, तो बेसिकली व्हाट आई एम वी सेइंग, के इज इक्वल टू फोर, फोर्थ सक्सेस, एंड एक्स इज नाइन, तो एक्स इक्वल्स टू नाइन होगा, फोर नाइन, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना कि एक्स आप डिफाइन कैसे कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल में, डिस्ट्रीब्यूशंस में आप एक्स कैसे डिफाइन कर रहे हो, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ये हो गया, अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको, 8c3 p टू द पावर 3 1 माइनस p टू द पावर 5 इंटू पी, ठीक है, कर लो इसको, वेरी गुड, 0.00734, ठीक है,
इसका वो लिख लेना, मैंने मीन नहीं लिखवाया, इसका मीन लिख लो. मीन इज नथिंग बट वॉट, के बाय पी. ज्योमेट्रिक का क्या था, वन बाय पी. ये क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि दिस इज समेशन ऑफ के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो के बाय पी हो जाएगा मीन, वन बाय पी प्लस वन बाय पी के टाइम्स. दिस इज सेम एज हमने ऊपर में जो लिखा है, ठीक है. अब अगर हम लोग, ये क्लियर है ना सबको, लिख लो, कॉपी कर लो. अब जैसे मैंने ज्योमेट्रिक आप लोग को क्या डिफाइन करवाया था, मैंने क्या दे वाई लिखवाया था, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, k इज इक्वल टू x माइनस वन लिखवाया था. सेम यहां हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसके पहले लिख लो कौन सा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ये. यस, पूरा लिखना पड़ेगा. लिखो लिखो लिखो. यहां पे डिफाइन करो, एक्स नहीं कर रहे, वाई ले रहे ताकि हम लोग उसको रिलेट करा पाए. लेट वाई बी द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द केथ सक्सेस. लेट वाई बी द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द केथ सक्सेस. अब एक बार पहले ना थोड़ा इसका समझते हैं. अगर हम लोग पहले बोल रहे थे x इक्वल टू सिक्स एंड k इक्वल टू थ्री, मतलब सिक्स्थ ट्रायल में, मतलब हम लोग बोल रहे थे कि सिक्स्थ ट्रायल में हमारा थर्ड सक्सेस होगा, तो मैंने y कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द kth सक्सेस. तो बिफोर द kth सक्सेस हमने कितने फेलियर्स देखे हैं, दो फेलियर्स नहीं. बिफोर द थर्ड सक्सेस हमने दो सक्सेसेस देखे और फेलियर्स कितने देखे हैं, कितने फेलियर्स देखे हैं बोलो. लेट वाई बी द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द kth सक्सेस. तीन फेलियर्स देखे हैं ना, क्योंकि इसके पहले फाइव ट्रायल्स हुए हैं जिसमें से दो सक्सेस था और तीन फेलियर था. वेरी गुड आचल आर्ची वेदांशी. क्या बोलने का मीनिंग है कि आपका नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द और यहां मैंने क्या लिखा था, x को कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. तो यहां आप लोग क्या बोल रहे हो कि नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द kth सक्सेस, थर्ड सक्सेस के पहले जो कि सिक्स्थ ट्रायल में हो रहा है. पांच ट्रायल हुए जिसमें से तीन फेलियर था ना, नंबर ऑफ फेलियर्स पूछा है मैंने. तो डेफिनेशन समझने की कोशिश करो, दिस इज नॉट x माइनस वन एनी मोर. वहां पे x माइनस वन पता है क्यों था, वहां पे y क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस. तो आपके xth सक्सेस में तो फर्स्ट ही ना था ना, तो वहां पे इसीलिए x माइनस वन हो गया कि आपका पहला वाला जो सक्सेस मिला उसके पहले x माइनस वन ट्रायल्स में जहां पे सब में फेलियर है. बट यहां तो नहीं है ऐसा, यहां थर्ड सक्सेस के पहले और दो सक्सेस हो चुके हैं जिसमें से तीन फेलियर थे, दो सक्सेस थे, टोटल फाइव. तो इसीलिए वहां
ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमने वाई बनाया था, मैंने सिंपली एक्स माइनस वन क्यों लिखा था? क्योंकि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सक्सेस. टोटल अगर एक्स ट्रायल्स हैं, लास्ट ट्रायल हैज द सक्सेस, तो एक्स माइनस वन फेलियर्स ही तो हुए. बट यहां पे ये चीज नहीं लिख सकते. एक्स माइनस क्या होगा? गॉट इट? तो यहां पे जब हम लोग एक बार रुक जाओ, लिखना मत, कोई भी लिखेगा नहीं. प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल्स, जब वाई लिखेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पांच आपके ट्रायल्स में से, ठीक है, पांच ट्रायल्स में से अगर हम इसको ऐसे यहां पे लिखने का कोशिश करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पांच ट्रायल में से तीन फेलियर, ठीक है. तो व्हाट आर यू डिफाइनिंग? वाई इक्वल्स टू थ्री, पांच में से तीन. तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? व्हाट इज, लेट्स सपोज वी कैन राइट दिस एज 5c3p2 1 p3. क्या बोला मैंने कि आपके तीन फेलियर्स एंड अब जाके आपका एक सक्सेस हुआ है इनटू पी. यस और नो? नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द kth सक्सेस. तो बिफोर द थर्ड सक्सेस यू फेस्ड थ्री फेलियर्स आउट ऑफ हाउ मेनी ट्रायल्स? फाइव ट्रायल्स. नाउ इफ यू मेक इट जनरल केस, हाउ विल यू मेक इट? फाइव कहां से आ रहा है आपका? आपको गिवन क्या क्या रहेगा? देखो, आपको गिवन खाली के रहेगा और आपको गिवन खाली पी रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है. आपको के विच इज द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड पी गिवन है. अब आपको मैंने बोला कि आप बताओ प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल्स टू थ्री, विच इज थ्री फेलियर्स बिफोर द थर्ड सक्सेस. सो कैन यू जस्ट डू मेंटल मैथ्स कि हम बोल रहे हैं थ्री फेलियर्स बिफोर द थर्ड सक्सेस यू गेट, टोटल सिक्स ट्रायल्स होंगे. नंबर ऑफ फेलियर्स प्लस नंबर ऑफ सक्सेस, टोटल सिक्स होंगे, जिसमें से पांच में से आपने ऑलरेडी तीन फेलियर्स देख लिया है. अब जो सिक्स्थ ट्रायल होगा वो सक्सेस वाला होगा. तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? फाइव को देखना, फाइव को हाउ विल आई डिफाइन? के प्लस वाई. के प्लस वाई इज व्हाट? के प्लस वाई इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सिक्स माइनस वन गिव्स यू फाइव. यस और नो? गिव्स यू फाइव. अब इसमें से सी, यहां पे थ्री हो गया आपका वाई. पी टू दी पार, ये वाला जो है इन दोनों को ले लो, पी टू दी पार थ्री, मतलब पी टू दी पार आप लोग बोल सकते हो के सक्सेसेस. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ वाई विच इज नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द के सक्सेस? जीरो फेलियर, वन फेलियर, टू फेलियर, डॉट डॉट डॉट. जीरो फेलियर का मतलब क्या है कि अगर हम जीरो बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं के अगर आपका गिवन होता है विच इज थ्री, पी आपका कुछ भी गिवन है, तो इसका क्या मतलब है? आपका थर्ड ट्रायल इज द थर्ड सक्सेस, एक भी फेलियर नहीं हुआ, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगेन दो तीन बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. तो इसी का जनरल केस अगर मैं यहां लिख दू, के प्लस वाई माइनस वन सी वाई पी टू दी पार के वन माइनस पी टू दी पार वाई, वेर वाई कैन गो बिटवीन वाई, बिकॉज वाई इज क्या है? वाई क्या है? इधर नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द kth सक्सेस. अब आपके टेबल बुक में जब आप लोग देखोगे पेज नंबर 9 पे ये दे रखा है, तो इन्होंने वाई के जगह एक्स लिख दिया, क्योंकि यूजुअली हम एक्स के टर्म्स में डील करते हैं. तो अगर मुझे एक्स के टर्म्स में डील करना हो तो हम बस ऐसे डील करेंगे. वेर एक्स इज द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट, बिफोर द kth सक्सेस.
दैट इज हाउ यू डिफाइन योर नेगेटिव बाइनोमियल टाइप टू. ये एक्स मैंने खाली इसीलिए लिखा है क्योंकि टेबल बुक में आपका वैसे ही गिवन रहता है. और एक चीज देखो, पी टू द पावर के है नंबर ऑफ सक्सेस फेल मतलब प्रोबेबिलिटी टू द पावर वो, एंड वन माइनस पी विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स है. एंड ये है नंबर ऑफ वेज, ये आपका जो ये है देखो के प्लस वाई है टोटल ट्रायल्स, के एक्स ये हो गया टोटल ट्रायल्स माइनस वन, मतलब लास्ट ट्रायल के पहले के जितने ट्रायल्स हैं उसमें आप नंबर ऑफ फेलियर्स को कैसे बांट रहे हो, सी वाई. सेम चीज अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. आर प्रोग्रामिंग में देखेंगे वो जब भी नेगेटिव बाइनोमियल का बात होता है दे टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल टाइप टू. इसी चीज को हम लोग उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइप वन में. सेम चीज है देखो ना, आपने कुछ नहीं किया, आपने के को अभी भी थ्री लिया है. अगर हम लोग टाइप वन में बात कर रहे होते तो हम लोग एक्स इक्वल टू सिक्स लिखते और यही, एंड उसको हम लोग टाइप वन के जैसे सॉल्व करते. बट यही अगर हम लोग टाइप टू का बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोल रहे हैं वाई इक्वल्स टू थ्री, मतलब नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द थर्ड सक्सेस. दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा, तरीका अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है. देख लो इसको. क्लियर? एनी डाउट? देख लो इसको. ठीक है, ये वाला जो ब्लू से मैंने लिखा है ना उसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल सिट एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्लियर? यस, लिख दो एक बार चैट बॉक्स में क्विकली. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल टाइप वन नॉट टू, ये याद रखना. ठीक है ना, ये याद रखना. इसका भी लिख लो, इसका भी मीन सेम तरीके से ही होता है. y के टर्म्स x के टर्म्स में लिखो, नहीं y के टर्म्स में लिखते हैं, तुम लोग को फिर समझने में इजी रहेगा. एक ही बात है, मतलब वो यूज भी नहीं होगा वैसे तो. सेम थिंग, बस उसको थोड़ा अलग तरीके से. इफ यू सी योर वेरियंस इज सेम बट मीन इज डिफरेंट. By mean is different because obviously यहां पे आप mean of x निकाल रहे हो where x is the number of trials
when you get your kth success. And यहाँ आप why जो meaning है, why का meaning है number of failures before the kth success. तो इसीलिए mean is different, but variance क्यों same है? क्योंकि आप कर same चीज ही रहे हो, तो variability दोनों situation same है, तो variability इसीलिए same आएगा. ठीक है? Understood? Any doubt now? चलो next करते हैं. और करना है हाइपरज्योमेट्रिक. लेट्स डू हाइपरज्योमेट्रिक नेक्स्ट क्लास. वील बी लेफ्ट विथ हाइपरज्योमेट्रिक एंड पॉइजन. एंड फिर हम लोग पॉइजन के बाद हाइपरज्योमेट्रिक के बाद कुछ सम्स करेंगे. ठीक है? एंड देन वील स्टार्ट कंटिन्यूस. चलो लेट्स डू इट टिल हियर. अच्छे से रिवाइज करके आना. अगर ये वाला नहीं करोगे तो हाइपरज्योमेट्रिक इससे भी डिफिकल्ट है. एंड पॉइजन इज extremely important. It's easy distribution again, but something which is used in every like paper moving ahead. ठीक है? चलो, bye bye.